कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IITG एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की लेक्चर में हम लोग जानेंगे ईसी ऑफ आयंस। ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था, एंड टुडे विल नो अबाउट राइटिंग ईसी ऑफ आयंस। तो आयंस सुनते ही बच्चों आप क्या समझ जाते हो? जैसे ही आप आयंस सुनोगे तो आयंस का मतलब हो गया, आयंस सुनते ही चार्ज्ड स्पीसीज। ये मैंने आपको बताया भी था, फिर से रिकॉल करा दिया, चार्ज्ड स्पीसीज। और चार्ज बच्चों दो तरह की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो चार्ज के बेसिस पे आयंस भी कितने तरह के हुए, टू टाइप्स, पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड निगेटिवली चार्ज आयंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को आप कैटायंस बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयंस को आप एनायंस बोलते हैं। तो अब कैटायंस की इसी और एनायंस की इसी, तो अब पहले ये जानना होगा कि कैटायन और एनायन बनता कैसे। तो पहले मैं आयंस को बच्चों कैटेगराइज कर दिया कि ये दो लिखा हुआ है, आपको पहले भी पढ़ाया गया है पहली क्लास में, कैटायंस एनायंस। इसको पॉजिटिवली चार्ज आयंस, इसको निगेटिवली चार्ज आयंस। अब है कि आपको फॉर्मेशन जानना होगा कि कैटायंस कैसे बनता। ये तो मालूम है आपको, पढ़ाया गया है कि इलेक्ट्रॉन निकालने से, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन निकालने का काम हमेशा एटम के वैलेंस शेल से होगा। और अब आप वैलेंस शेल के बारे में जान गए हैं कि वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल। वैसे ही एनायंस का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता बच्चों? तो एनायंस बनता है एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, इलेक्ट्रॉन के एडिशन से। लेकिन कैटायन बनाना हो या एनायन बनाना हो, प्रोसेस में तो फर्क है। कैटायन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, एनायन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है। लेकिन निकालना या ऐड करना, मतलब रिमूवल और एडिशन, ये दोनों काम एटम के आउटर मोस्ट सेल से होगा। तो अब आपको पता चल गया कि कैटायंस आर, लिख भी देता हूं मैं, आप भी लिख लीजिए, कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, from the outermost shell of an atom, and anions are formed by adding electrons to the outermost shell. To the outermost shell of an atom. ये हो गया बच्चों। अब आइए दोनों की इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सपोज हमको Ca2+ आयन दिया रहता, कहा गया इसका इसी लिखो, तो कैल्सियम के एटॉमिक नंबर आप सबको याद हो गई 20। 2+ का मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 18। तो मतलब आपको 18 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो ये कि जब भी किसी आयन की कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है, आप ओरिजिनल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। जैसे यहां Ca2+ आयन की लिखनी है तो आप कैल्शियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। तो कैल्शियम मैंने लिख दिया। अब बच्चों याद करो, इसके जस्ट पहले वाला जो नोबल गैस था वो आर्गन था, आपको गिनना सिखाया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, थर्ड पोजीशन पे था। तो 3p भर चुका है, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s में। तो यहाँ पे हमने आर्गन लिख दिया मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन तो लिख दिया, और फाइनली लिख दिया 4s2।
इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा हुआ? फोर्थ सेल। अब आपको Ca2+ आयन बनाना है, तो Ca2+ आयन बनाने के लिए कैल्शियम एटम के आउटर मोस्ट सेल से आपको दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे, ठीक है? तो ये आउटर मोस्ट सेल तो आपका यही हो गया फोर्थ सेल, और फोर्थ सेल के एस सब सेल में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो यहां से आप दो निकाल लीजिए। तो दो निकाल लेने पे आपका कन्फिग्रेशन किसका बच गया? आर्गन का। या इसी को आप ऐसे लिख दीजिए कि आर्गन से जस्ट पहले जो नोबल गैस था वो नियॉन था, तो आप यहाँ पे नियॉन लिख लीजिए, नियॉन। और नियॉन लिखे बच्चों तो ध्यान दीजिए, हीलियम नियॉन सेकंड पोजीशन पे था, 2p भरा हुआ था, तो 3s2 3p6, ये कन्फिग्रेशन हो गया आपका। अब यहाँ Ca2+ आयन में अगर आपसे कहा जाता कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां तक तो कोई था नहीं, यह भी फुल फील्ड, यह भी फुल फील्ड, समझ रहे हैं आप? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या चली आई? 0। ओके, तो कैल्शियम 2+ आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गई 0। अब आइए, अगर आपको दिया रहता Fe+2, इसकी कन्फिग्रेशन आपको लिखनी होती Fe+2 या Fe2+ आयन। अब ये Fe आयरन की सिंबल है, आयरन की एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 26। दो इलेक्ट्रॉन निकाला गया, पॉजिटिव चार्ज आया मींस दो इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों हो गई 24। अब मैं आयरन का ओरिजिनल एटम का कन्फिग्रेशन लिखूंगा, तो यहाँ 26 एटॉमिक नंबर थी, मतलब 26 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसके जस्ट पहले वाला नोबल गैस अपना क्या आ गया बच्चों? आर्गन। आर्गन हीलियम नियॉन आर्गन थर्ड पोजीशन पे, मींस 3p भर चुका, और 3p भरने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, तो 4s में आया 4s2। आपने 18 लिखा था, आर्गन जैसे ही लिखा 18 हो गया ना, तो 18+2 कितना हो गया? 20। अब 20 के बाद भी आपको क्या बचे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4s के बाद जो एनर्जी है वो किसकी है? 3d की, तो 4s2 3d6 डन। अब यहां से आपको दो इलेक्ट्रॉन निकालना है बच्चों, लास्ट फील्ड ऑर्बिटल तो 3d है, उसके पहले ही 4s भर चुका है, लेकिन क्या आउटर मोस्ट सेल इसका थर्ड सेल है? नो। यहीं पे आपसे गलतियां होंगी कि आप फट से दो इलेक्ट्रॉन 3d से निकाल लेंगे। इसी के लिए मैंने आपको सिखाया कि आप पहले ओरिजिनल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, तो यहां से आपको बड़ा अच्छे से विजुअलाइज होने लगा कि इसका आउटर मोस्ट सेल थर्ड सेल नहीं है। एटम में अगर चार सेल है बच्चों, तो आउटर मोस्ट सेल तो फोर्थ सेल हुआ ना, तो चौथा सेल आउटर मोस्ट सेल है, और पहले इलेक्ट्रॉन आपको कहां से निकालनी है? आउटर मोस्ट सेल। तो यहां जो दो इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है Fe2+ बनाने के लिए, वो 4s से निकालना। और अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन बच्चों आ गई आर्गन 3d6, तो दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अब इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा जाता, तो यहां तक तो सारे सबसेल फुलफिल्ड थे, सारे ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड थे, यहां 3d फुलफिल्ड नहीं है। इसका बॉक्स डायग्राम आप दिखा लीजिए, तो बॉक्स डायग्राम दिखा लिया, ये सब आपको अब आता है। अब यहां पांचों डिजेनरेट हैं, होंट्स रूल के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो होंट्स रूल के अकॉर्डिंग कर लिया, तो पहले एक एक सेम स्पिन के साथ भरा, फिर एक पेयरिंग करा दिया, चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन था 3d में। अब आपका अनपेयर्ड आपको दिखने लगा, दिख रहा है आपको? ये वाला तो पेयर्ड हो गया, 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी कितनी आ गई बच्चों? 4। ओके, अब आ जाओ, अगर आपको दिया रहता है यहां पे Fe+3, अब इसका EC लिखना होता। आपने पढ़ा होगा Fe2+ आयन को भी पढ़ा होगा, Fe3+ आयन को भी पढ़ा होगा अपने स्कूल में। Fe2+ को शायद आप फेरस बोलते थे, फेरस आयन, और Fe3+ को बोलते थे फेरिक आयन। एक और भी बात बच्चों बता रहा हूं आपको, Fe2+ को ही आप Fe ब्रैकेट में ये 2 लिख सकते हो,
या ऐसा लिख दिए तो ये क्या हो गया बच्चों, एफी टू प्लस, ये चार्ज है प्लस टू, तो एफी टू प्लस को एफी टू भी लिखा रह सकता है और एफी थ्री प्लस को क्या लिखा रह सकता है, एफी थ्री, एफी थ्री। तो एफी टू कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब अब आप समझोगे, एफी टू प्लस और एफी थ्री कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझोगे एफी थ्री प्लस, ओके। और इसका नाम भी बच्चों आज से जान जाओ, फेरस एंड दिस इज फेरिक। अस और इक के बारे में भी मैं थोड़ा सा बोल देता हूं, अस लोअर वैलेंसी के लिए होता था और इक हायर वैलेंसी के लिए, आपको याद आ रहा होगा, अस फॉर लोअर वैलेंसी एंड इक फॉर हायर वैलेंसी। तो यहां वैलेंसी तीन हो गई फेरिक की, तो इसीलिए यहां पे इक लगा हुआ है और यहां दो है तो यहां पे अस लगा हुआ है। अब आइए एफी थ्री प्लस का हमको ईसी लिखना है, तो एफी थ्री प्लस के लिए एफी से आयरन एटम से हमें तीन इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो ये जो तीन इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं पहले तो आउटर मोस्ट सेल से निकालना है, और आउटर मोस्ट सेल अभी हम लोगों ने देखा हमारा फोरेस है, लेकिन फोरेस में इलेक्ट्रॉन तो दो ही है, तो तीन में से दो तो फोरेस से ही निकला, और जब दो फोरेस से निकल गया तब नेक्स्ट आउटर मोस्ट हो गया थ्री डी। अब जो इलेक्ट्रॉन एक बचा रह गया निकालने को वो हम लोग कहां से निकालेंगे, 3D से। तो यहां Fe3+ बनाने के लिए आप अच्छे से समझ लीजिए, दो इलेक्ट्रॉन 4s से और एक 3D से। आपको कभी इन चीजों के लिए बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप आज बहुत अच्छे से सीख लीजिए इन चीजों को। तो Fe3+ की इसी अब बच्चों आ गई आर्गन 3D5। अब जब 3D5 आई तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको निकालना होता, तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बॉक्स डायग्राम बना लेते। अब ये 3D का पांच ऑर्बिटल पांचों डिजेनरेट, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया सेम स्पिन के साथ, तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चलाया बच्चों फाइव, ओके। तो ये एफ ही थ्री प्लस हो गया। अब जैसे मैं यहीं पर लिखता, अगला एग्जाम्पल लिखता, सपोज आप लिख लेते यहां पर Cu प्लस Cu टू प्लस, इन दोनों का आपको इसी लिखना है। अब Cu प्लस का आपको नाम भी याद आ रहा होगा, Cu प्लस की क्या नाम होती थी, क्यूप्रस आयन वैलेंसी वन, और Cu टू प्लस होता था तो नाम होता था क्यूप्रिक आयन वैलेंसी टू, ओके। अब आइए एलिमेंट आपका कॉपर है, एटॉमिक नंबर कॉपर की सोचिए जल्दी 29। ये सब आपको बिल्कुल अब कॉपर सुनते ही दिमाग में बिजली की तरह रन करना चाहिए, तो 29 हो गई एटॉमिक नंबर कॉपर की। अब और एक बात यहां पे है कि ये जो 29 एटॉमिक नंबर है ये हमारा एक्सेप्शनल ईसी वाला एटॉमिक नंबर था, ओके। तो जब ये एक्सेप्शनल ईसी वाला एटॉमिक नंबर था तो क्या एक्सेप्शन में था बच्चों, ये सेट वन का एक्सेप्शन था, मतलब आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता था पेनल्टीमेट सेल के डी सब सेल में। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा तो पिछले लेक्चर में ही तो एक्सेप्शनल इसी की बात हुई थी, वहां से ये बातें आपको सिखाई गई हैं। आप अगर नहीं सीखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लें। अब आइए हमको मालूम हो गया कि ये एक्सेप्शन वाला है, तो इसका कन्फिग्रेशन अब आर्गन होता 4s2 3d9, लेकिन हम यहां 2 से एक ट्रांसफर करेंगे, 4s1 कर दिए और 3d10 कर दिए, तो ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन था कॉपर एटम का, ओके। अब आइए आपको जब Cu प्लस लिखना है मींस आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है कॉपर एटम से, और जो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है वो देखिए आउटर मोस्ट तो आपका यही 4s हुआ, फोर्थ सेल आउटर मोस्ट हुआ, उसमें एस सब सेल है, तो यहां से एक निकाल लीजिए, तो यहां से एक निकाल लीजिएगा तो आपका यहां पे क्या चला आया आर्गन 3d10, ओके समझ गए आप। और यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे बच्चों तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपकी क्या चली आई जीरो। अब आ जाओ आप Cu2+, तो Cu2+ लिखना है मतलब आपको दो इलेक्ट्रॉन कॉपर एटम से निकालना है, आउटर मोस्ट सेल में तो आपके पास एक ही है
तो एक तो फॉरेस्ट से ही निकलेगा, लेकिन जो अगला एक होगा, बाकी का एक रहा, वो तो 3D से निकालना होगा। तो अब इसकी कन्फिग्रेशन चली आई आपको आर्गन 3D9। और यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे तो क्या आप लिख लोगे? और नहीं तो मैं लिख देता हूं 1। अब कैसे 1 जड़ा, सोच लो 1-2 सेकेंड। जैसे डी सबसेल में आपके ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5, पांचों डिजेनरेट हैं। अब पांचों डिजेनरेट है तो पहले तो सेम स्पिन के साथ पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, और उसके बाद पेयरिंग शुरू हुई। 5 जब फिलअप हो गया था तो बची थी कितनी? 4। तो बाकी 4 में पेयर्ड हो गया और एक में अनपेयर्ड बचा रहा। अब आप समझ गए होंगे पूरा। ओके, तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चली गई 1। तो मैं अब ये बोलने जा रहा हूं कि कोई भी कैटायन का ईसी लिखना हो, आपने देखा कैसे लिखेंगे, आप ओरिजिनल एटम का लिख लो और वहां आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन पहले निकालो, कभी गलत नहीं होगा। जैसे अब सपोज किसी को लगा कि थोड़ा और बड़ा वाला लेते, तो बिस्मत ले लिया मैंने, बिस्मत 3+। अब इस एलिमेंट की इसी लिखनी है, तो बिस्मत की एटॉमिक नंबर बच्चों क्या है? 83। अब यहां बिस्मत 3+ आयन का हमको इसी लिखना है। ओके, अब आइए बिस्मत एटम की इसी मैं लिख के दिखाता हूं आपको। बिस्मत एटम 83 है। चलिए इसके जस्ट पहले वाला नोबल गैस सोचिए। तो नोबल गैस याद कीजिए, हीलियम था, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। रेडॉन 6ठा पोजीशन का था, 86 एटॉमिक नंबर था। उसके जस्ट पहले जेनॉन था जिसकी एटॉमिक नंबर थी 54। तो जेनॉन की 54 थी। अब 54 जेनॉन का हो गया, तो यहां पे जेनॉन लिख दिया और 54 यहां पे मार्क कर दिया कि 54 हमने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दिया। अब जेनॉन की पोजीशन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन 5वें पोजीशन पे है। तो 5वें पोजीशन पे है, इसका मतलब क्या? 5p भरा हुआ था, और 5p भर गया तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 6s में जाएगा, तो 6s2। और 6s के बाद कहां जाएगा बच्चों? 4f में जाएगा, 4f14, 5d10। अब आप थोड़ा गिन भी लें जिससे ऐसी और हो जाएंगे, 54+2 56, और 56+14 70 हो गया, 70 और 10 80 हो गया। तो इसके बाद क्या आ गया बच्चों? 6p3, 83 हो गया। तो ये बिस्मत एटम का हमने लिख लिया। अब हमको 3+ आयन, बिस्मत 3+ आयन का लिखना है। 3 इलेक्ट्रॉन बिस्मत से निकालना है। अब वो पहले पता कर लेते हैं कि कौन सा सेल इसका आउटर मोस्ट सेल हुआ। तो आप देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 6 है, तो 6ठा सेल आउटर मोस्ट हुआ। 6ठे में बच्चों 6s भी है, 6b भी है। तो फिर यहां से आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला जाए, 6s से या 6p से। तो यहां भी मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लो कोई सेल है, 6ठी सेल है, तो उसमें सब सेल एस है, पी है, डी है। वैसे तो थियोरेटिकली तो 6-6 सबसेल्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 6ठे सेल में 3 ही सबसेल्स का यूज होता है, एस पी डी। तो न्यूक्लियस से सबसे क्लोज कौन होगा बच्चों? किसी भी सेल में अगर एस पी डी एफ सबसेल्स हो, तो न्यूक्लियस से सबसे क्लोज जो सबसेल होगा डैट विल बी एस सबसेल। एस के बाद पी होगा, पी के बाद डी होगा, डी के बाद एफ होगा। मतलब अगर सेल नंबर सेम हो, सेम सेल की बात हो रही हो, तो एस सबसेल विल बी क्लोजेस्ट विद द न्यूक्लियस। ओके, देन पी, देन डी, देन एफ। तो न्यूक्लियस से सबसे दूर कौन है इसमें? 6p। तो इलेक्ट्रॉन पहले 6s से नहीं निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? 6p से। और 6p में है कितना बच्चों? 3 है, तो 3 यहां से निकाल दो, जो बचा वही कन्फिग्रेशन हो गया। तो अब मैं इसको बस उतार दिया, जेनॉन 6s2, 4f14, 5d10। तो दिस इज द करेक्ट कन्फिग्रेशन ऑफ बिस्मत 3+ आयन। हाँ, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। ओके, अब आ जाओ, अब कोई भी कैटायन रहेगा आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग एनायंस की बात कर लें। तो जैसे एनायंस की बात करनी है तो हमने शुरू किया, सपोज हमने लिया O2-, इसका नाम बच्चों आपको याद होगा O2-,
ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन की सिंबल आप लिखते थे वो वैलेंसी लिखते थे, टू निगेटिव, मतलब ये एसिड रेडिकल था, एसिड रेडिकल या पेनायंस बोलते थे। निगेटिवली चार्ज आयन्स को बच्चों एसिड रेडिकल बोलते और पॉजिटिवली चार्ज आयन्स को बेसिक रेडिकल बोलते। जैसे ऑक्साइड हो गया O2 माइनस एसिड रेडिकल, क्लोराइड हो गया Cl माइनस एसिड रेडिकल, नाइट्राइड हो गया N3 माइनस एसिड रेडिकल, लाइक सो। ओके, तो बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल के बारे में बतलाया कि निगेटिवली चार्ज आयन, बेसिक रेडिकल्स पॉजिटिवली चार्ज आयन्स को कहते थे। जैसे आप बोलते हो सोडियम आयन तो Na+ बोलते थे, मैग्नीशियम आयन Mg2+ बोलते थे, कैल्सियम आयन Ca2+ बोलते थे, अमोनियम आयन, ध्यान से सुनना, अमोनियम आयन NH4+, मतलब इसकी सिंबल NH4 हुई और वैलेंसी हो गई 1। ओके, अब आ जाओ ऑक्साइड आयन की हमको कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो ओरिजिनल एटम अपना ऑक्सीजन था बच्चों, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर आपको अब पता है 8। अब इससे जस्ट पहले वाला नोबल गैस हीलियम, ओके, हीलियम के बाद 2s2 2p4, दो यहां हो गया, दो दो चार और चार आठ। अब यहां से देखो सेकेंड सेल आउटर मोस्ट सेल हुआ, सेकेंड सेल में 2s भी है 2p भी है, तो बाहर कौन होगा, न्यूक्लियस से दूर कौन होगा, 2p। तो दो इलेक्ट्रॉन जो निकाला जाएगा, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन यहां करना क्या है, निकालना नहीं है बल्कि क्या करना है, ऐड करना है। तो वो कहां ऐड होगा, 2p में ही ऐड होगा। अब ये सोच लो कि पी सबसेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 6 की होती है, यहां पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, तो क्या हम लोग और दो उसमें ऐड कर सकते या नहीं कर सकते, यस कर सकते हैं, बिकॉज उसकी कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो अब आपका यहां से कन्फिग्रेशन हो गया हीलियम 2s2 2p6, ये कन्फिग्रेशन हो गया बच्चों, ये तो फुलफिल्ड था ही, इधर फुलफिल्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगी, 0। अब सपोज करो कि आपको क्लोराइड आयन दिया हुआ रहता, क्लोराइड Cl-, अब इसका ओरिजिनल एटम क्लोरीन हुआ, एटॉमिक नंबर क्लोरीन की सोचो, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गई बच्चों, 17 हो गई। इससे जस्ट पहले आने वाला जो नोबल गैस था वो था नियॉन, तो ये नियॉन हो गया, नियॉन के बाद 3s2 3p5, 10 2 12 5 17, तो इसका इसी लिख लिए। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन करना है वो 3p में कर देंगे, समझ गए आप, क्योंकि 3p में 5 है और कैपेसिटी उसकी कितनी है, 6, यही आउटर मोस्ट सेल भी है, आउटर मोस्ट सेल का बाहर वाला सब सेल यही है। तो अब यहां से आपने लिख लिया नियॉन 3s2 3p6, तो अब बच्चों आपको बिल्कुल मास्टरी करा दी गई इसी लिखने में, होप कि आप काफी एंजॉय कर रहे होंगे और इन चीजों को बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, ऐसा सीख रहे होंगे जो कभी आपके पास से अलग ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।